नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड वितरण। चले दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अपने सीरीज चल रही है क्वार्टर वन रिजल्ट की, तो उसके अंदर आज JSW एनर्जी लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट आज ही है। रिजल्ट कैसा है और आगे ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो हम बात करें JSW एनर्जी लिमिटेड का। कंपनी नाम से समझ रहा, कंपनी सेगमेंट की है और JSW ग्रुप के बारे में एवरीवन नोस के वो ग्रुप कितना बहुत ही ज़्यादा हुआ। JSW ग्रुप काफ़ी बड़ा लार्ज ग्रुप है और काफ़ी अच्छे सेगमेंट के साथ काम कर रहा है। और JSW एनर्जी अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक्वायर किया था, इन्होंने मर्जर किए थे अपनी सब्सिडी कंपनियों को। साथ ही साथ जिस तरह से इनका काम है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और डायरेक्ट एनर्जी के अंदर, उस तरह का काम इनका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने तो जरूरत है नहीं कंपनी किस सेगमेंट के, एनर्जी सेक्टर के, पावर सेक्टर की कंपनी है। तो चलिए समझते हैं तो क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा है और आगे ट्रेडिंग सेशन कैसे रहने वाला उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, आज ही के दिन 21 जुलाई 2022, आज ही दिन क्वार्टर वन का रिजल्ट आया। देखिए, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो JSW एनर्जी लिमिटेड है या JSW ग्रुप के जितने भी शेयरों के रिजल्ट आते हैं, तो कोई भी सिंप्लीफाई करके इसको समझ सकता है, क्योंकि इतना डीप और इतना बारीकी से ये लोग अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अपडेट करते हैं कि एवरीवन अंडरस्टैंड कर सकता है कि रिजल्ट के अंदर क्या रहा है, कैसे कंपनी ने ग्रोथ कराया पूरा। ये अपने रिजल्ट के अंदर पूरा आउट परफॉर्मेंस देखते हैं, फ्यूचर बिजनेस के बारे में ये लोग अपडेशन देते हैं रिजल्ट के अंदर। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से रिजल्ट को पेश करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट का ओवरव्यू करते हैं कैसा सा क्वार्टर वन का रिजल्ट। JSW एनर्जी लिमिटेड NSE/BSE दोनों पर लिस्टेड है कंपनी। तो आज की डेट में इसका मार्केट कैप है 38,773 करोड़ रुपये का। स्टॉक पी चल रहा है इसका 19.5 का। स्टॉक ROC इसका चल रहा है 12.1% का। बुक वैल्यू इसके 106 रुपये की। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 10.6% का है। डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया 0.85% के हिसाब से। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। अब देखिए, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे देने का अनुमान कर रही है और कंपनी जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है 5 साल की 22.97% के हिसाब से। कंपनी का जो डिविडेंड मेंटेन पेआउट रखा है, हेल्थी मेंटेन रखा है इन्होंने अपना डिविडेंड पेआउट का 25.06% के हिसाब से। और कंपनी के जो कर्जा दिन देने के दिन है 49.96 से घट के 29.95 हो चुका है। ये इंप्रूवमेंट दिखाई है कंपनी ने। अब बात करते हैं इसका क्वार्टर वन रिजल्ट की, जून 2022। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल सेल हुई है 3,026 करोड़ रुपये की और ऑपरेशन प्रॉफिट निकल के आया 1,022 करोड़ रुपये का और नेट प्रॉफिट निकल गया 560 करोड़ रुपये का। अर्निंग पर शेयर 3.41 का निकल के आया। अब लास्ट क्वार्टर से कंपनी था मार्च 2022, तो लास्ट क्वार्टर सेल थी 2,441 करोड़, वो बढ़ के हुई है 3,026 करोड़ रुपये की। ऑपरेशन प्रॉफिट था 1,132 करोड़, वो घट के हुआ 1,022 करोड़ रुपये का। ज़्यादा ज़्यादा कोई डिफरेंशियल देखने को नहीं मिला है ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट भी 864 से घट के सीधा 556 करोड़ हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी 5.26 से घट के 3.41 हुआ है। तो ये घटक देखने को मिली है हमारे को नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के अंदर, बट सेल में जो इजाफा देखने को मिला हमें क्वार्टर क्वार्टर का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब लास्ट ईयर से कंपेरिजन करता हूं जून 2021, तो लास्ट ईयर सेल थी 1,728 करोड़, वो बढ़ के हुई है 3,026 करोड़ रुपये की। ऑपरेशन प्रॉफिट 668 था 698 था, वो बढ़ के हुआ 1,022 करोड़ हुआ है और नेट प्रॉफिट 201 से बढ़ के सीधा 560 करोड़ हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी 1.22 से बढ़ के 3.41 हुआ है। तो आप एक चीज़ देखिए, क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल में ग्रोथ है, बाकी ऑपरेशन प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डाउनफॉल है। नेट प्रॉफिट में 30% का डाउनफॉल देखने को मिला, बट ईयर ईयर वाइज जो ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, काफ़ी अच्छा जंप दिखाया कंपनी ने और काफ़ी अच्छा ही सेगमेंट के साथ कंपनी जो ऑपरेशन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर जो ईयर ईयर वाइज में जंप दिखाया वो काफ़ी अल्टीमेट दिखाया है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट दे रखे हैं सितंबर 2019 से, देखेंगे अभी तक की हाइएस्ट सेल है इसके 3,000 करोड़ रुपये की। अभी तक इसमें 3,000 करोड़ की इन्होंने सेल नहीं दिखाई थी, इस क्वार्टर ने कंपनी ने अपनी सेल दिखाई है। यानी कि आप जैसे 3 साल के अंदर अभी तक की हाईएस्ट सेल दिखाई है कंपनी ने, ये एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, रिजल्ट तो आते हैं, अप डाउन ऊपर नीचे चलता है, बट कंपनी कंसिस्टेंसी ग्रोथ हो रही है बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी की सेल में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। जब तक कंपनी सेल ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनी अपना कर्जा कम नहीं करेगी, कंपनी कर्जा कम नहीं करेगी तो कंपनी परफॉर्मेंस के लिए री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, न्यू न्यू
टेक्नोलॉजी के साथ या नया नया अपने बिजनेस का एक्सपेंड नहीं कर सकती है, कंपनी के सेल में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 22 तक के बीच में अभी तक की हाईएस्ट सेल दिखाई है, ये देख सकते हैं आप, अभी तक की हाईएस्ट सेल दिखाई है 3000 करोड़ रुपए की। और बाकी देखिए क्वार्टर क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल है, बट ये रिवाइज रिजल्ट अच्छा है। इस रिजल्ट को अच्छा बोलेंगे खराब नहीं बोलेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रिजल्ट अच्छा है खराब नहीं है। अब देखते हैं इन्होंने शेयर होल्डिंग अपलोड करी है नहीं करी इस क्वार्टर की, वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इस क्वार्टर की इन्होंने शेयर होल्डिंग अपडेट करी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 74.66 थी, वो बढ़ के हुई है 74.69 हो चुकी है। तो इस क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, साथ ही साथ देखेंगे FIS की होल्डिंग 5.36 थी, वो घटके हुई 5.27 हो चुकी है, और DIS की होल्डिंग भी 10.16 से घटके 10.8 हो चुकी है। देखेंगे इस क्वार्टर में FIS और DIS ने अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग डिक्रीज करी है, पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है, अब अदर की होल्डिंग 26, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बाकी FIS, DIS और अदर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है इस क्वार्टर में। तो ये थोड़ा सा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं प्रमोटर ने इसने होल्डिंग बढ़ाई, इसका मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, तो इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब रिजल्ट आने से पहले बाजार के अंदर ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा इसका वो देखते हैं। तो रिजल्ट आने से पहले JSW एनर्जी का जो परफॉर्मेंस था आज के दिन पे देख सकते हैं, 0.2% की गिरावट लगा के बंद हुआ, ओपन होता है 241.65 रुपये पे, हाई मारस ने 243.95 रुपये का, लो मारस ने 232.65 रुपये का, 52 हाई है इसका 408 रुपये का, 52 लो है इसका 182.05 रुपये का। 5 दिन के अंदर तो इसने 2.5% की तेजी दिखा चुका है, 1 मंथ के अंदर 14.5% की तेजी दिखा चुका है, 6 मंथ के अंदर 21.5% की गिरावट दिखा चुका है, ईयर टू डेट के अंदर भी 21% की गिरावट दिखा चुका है। देखिए रिजल्ट के इंपैक्ट आपको कल के दिन देखने को मिलेगा इसके अंदर, और जिस तरह से आज एनर्जी शेयरों के अंदर रिबाउंड देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एनर्जी और IT शेयरों के अंदर जो तेजी देखने को मिली आज बाजार के अंदर वो काफ़ी अल्टीमेट थी। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, JSW एनर्जी लिमिटेड के अंदर अगर आपके पास है तो होल्ड रखिए, बिकवाली की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, अब यहाँ से रिबाउंड होगा, शेयर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए ये अभी भी 20 डेज MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, 227 रुपये के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉल दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म की कॉल रहेगी और कैश की कॉल रहने वाली है, तो 227 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए। और इसके अंदर एक ही टारगेट रहने वाला है मेरा शॉर्ट टर्म के अंदर, वो रहने वाला है आपका मेरा 245 रुपये का, 245 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो गिरावट होती है जो खराब होता है वो हो चुका है। रिजल्ट अच्छा है, ये रहा एक अच्छी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई कंपनी के अंदर, जो सेल में ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो 227 रुपये का स्टॉप लॉस से बाय करिए, एक ही टारगेट है शॉर्ट टर्म के अंदर 245 रुपये का, ये शॉर्ट टर्म में आपको 245 का टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कल के दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट जब मार्केट क्लोज होने के टाइम तक इसमें अच्छी खासी पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा शेयर, और पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ही क्लोज होगा ये। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।